हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है क्लास 9, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ब्राइडल मेहंदी कैसे लगाएं, और एक डिज़ाइन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हम लगा रहे हैं राइट हैंड में, मतलब आप मान लीजिए कि ये ब्राइड का राइट हैंड है। आप स्टार्टिंग किसी भी डिज़ाइन से कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताने के लिए नॉर्मल एक फ्लावर बना रही हूँ। जैसा मैंने फ्लावर क्लास में आपको बताया भी था कि फ्लावर को ड्रॉ कैसे करना है, आप उस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट। अब हम इसको कवर कर लेंगे। इसमें मैं आपको ब्राइड और ग्रूम बनाना सिखाऊंगी। ये आज 9 क्लास है, तो इसमें मैं आपको ग्रूम वाला बना के दिखाऊंगी, और जो क्लास 10 है, लास्ट क्लास, उसमें मैं आपको लेफ्ट हैंड बताऊंगी और उसमें होगी हमारी ब्राइड। स्टार्टिंग पार्ट आप कोई भी कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो में बताया आपको, उनमें से कोई भी ले सकते हैं। मैं जस्ट आपको बताने के लिए, मेन ये ग्रूम का है कि फुल ग्रूम कैसे बनाना है, सो वो मैं आपको बताऊंगी आज। ये हमने स्टार्टिंग कर ली है, अब हमें मेन बनाना है यहाँ पे ग्रूम। जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ग्रूम का फेस, आई होप आप सब ने उसकी बहुत प्रैक्टिस की है। उसके बाद आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। सेम हम वही बनाएंगे। पगड़ी आप चेंज भी कर सकते हैं डिज़ाइंस, जिसे ऑनलाइन देख के, जैसा आप नोटबुक्स में ड्रॉ करते हैं उनमें से कोई भी पगड़ी बना सकते हैं। ये सबसे इजी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम बनाएंगे नेक। शेडिंग करेंगे पहले लाइट। अब हमने क्या बनाना है, नेक के साइड से हमने दुपट्टा निकालना है, जो ग्रूम के पास भी होता है। ये हमने निकाल दिया हाफ। अब दुपट्टे के साथ ही हमने शोल्डर निकालना है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमेशा एक बार में परफेक्ट नहीं बनता, सो आप उसको लाइट लाइट शेडिंग कीजिए। शेडिंग करने के बाद जब वो चीज़ परफेक्ट बन जाए, उसके बाद आप उसको ऊपर से डार्क कीजिएगा। जैसे हम ड्राइंग में भी करते हैं, कोई चीज़ हमें बनानी होती है सो उसके लिए पहले हम लाइट लाइट बनाते हैं, उसके बाद उसको स्केच पेन से डार्क कर देते हैं। सो वही करना है। यहाँ से थोड़ा सा पतला ऐसे बनाना है, उसके बाद हम यहाँ पे हाथ बना देंगे। अब हमने डार्क कर देनी है सारी चीज़ें। इस साइड से बनाएंगे। अरे दूसरा हैंड। अब हमारा ये हो गया, अब हम इसको डार्क कर देंगे। जो बाकी की पगड़ी है वो हमने यहाँ से बना दी। अब हमने क्या करना है, इस दुपट्टे को नीचे से मेजर करके कि ये यहीं आएगा, नीचे से बाहर निकालना है। इसका दूसरा पार्ट यहाँ से आएगा। बीच में थोड़ी सी स्पेस बचानी है हमने कुर्ते के लिए, जो शेरवानी होती है
दूल्हों की, उसके लिए थोड़ी सी स्पेस बचानी है। यहाँ से ये ऐसे आ गया, यहाँ ख़त्म। सो आप स्क्रीन को टेढ़ा करके भी देख सकते हैं। अब हमने नीचे से शेरवानी निकालनी है। सो ये आ गई दूल्हे की शेरवानी। ये हो गया। अब हमने क्या बनाना है, नीचे ड्रॉ करना है हमने। एंड में यहाँ दूल्हे की पंजाबी जुत्ती, जो भी बोल लीजिए इनको, मैंने थोड़ा सा ऐसे करके बनाया है। डार्क कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, अच्छा इसके बाहर से हमने, ये आपको ऐसे दिखाने डिज़ाइन में ब्राइडल में कि ये उभर के आए चीज़ जो आपने बनाई है, हाईलाइट होके आए। सो इसको काफ़ी क्लोज मत रखना इन लाइंस को, थोड़ा सा डिस्टेंस देना बीच में। अगर आप इन जो मैं अभी आउटलाइन कर रही हूँ, अगर ये बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस में हुई ग्रूम के, सो वो डिज़ाइन में पता ही नहीं चलेगा आपने कुछ बनाया भी है। सो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ब्राइडल मेहंदी लगा रहे हों, अगर आप कहीं पे ब्राइड ग्रूम या कलश कुछ भी बना रहे हैं, सो उस टाइम उस चीज़ में थोड़ा सा डिस्टेंस देना। सो यहाँ हमारी मेन चीज़ है जयमाला, ये हमने बनाई जयमाला। इसको काफ़ी रफली सा बनाना है क्योंकि ये फ्लावर्स हैं। लग रही है थोड़ी थोड़ी जयमाला की तरह। आई होप आपको ये जयमाला पसंद आई हो। नीचे से कवर कर लेंगे। ये भी ना हो कि आप डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ही दे रहे हैं, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस जितना मैं दे रही हूँ इतना ही होना चाहिए। पैटर्न बनाएंगे हम इसके ऊपर। सारे आउटर लाइंस में हम ये पैटर्न ड्रॉ करेंगे। क्लासेस 10 ही होंगी, बाकी मैं कुछ मंथ्स के बाद, मतलब इस ईयर के एंड में फ्रेश क्लासेस शुरू करूँगी। सो अभी ये मेरी 10 तक ही रहेंगी, इसके बाद एक और वीडियो आएगी क्लास की, वो होगी क्लास 10। सो अब हम
ये जो बाकी की स्पेस है इसको कवर करेंगे। यहाँ भी आप अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, ये मैंने आपको और क्लास में बताया हुआ है, पुरानी क्लास में। मुझे लगा कि इस वीडियो के लिए ये वाला पैटर्न ठीक होगा, सो मैंने ये ड्रॉ किया है। आप अपनी चॉइस से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई चेक डिज़ाइन भी बना सकते हैं, कुछ और पैटर्न भी कर सकते हैं। इन सब को हम फोल्ड कर देंगे। मेन मेरा पर्पस था मैं आपको ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन बताऊं। बहुत से कमेंट्स में आया था कि मुझे ब्राइडल मेहंदी लगानी है, सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको जो पूरा ग्रूम है वो कैसे ड्रॉ करते हैं ये बता सकूं। एंड थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कर रहे हैं कि उन लोगों को मेरी वीडियो से, इन क्लासेस से बहुत हेल्प मिल रही है। सो थैंक यू सो मच उन सब के लिए, क्योंकि वो सब, आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देते रहिए। और मैं बाकियों को भी बोलूँगी जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, वो करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरे मेहंदी डिज़ाइंस और ये क्लासेस से कितना फ़ायदा हो रहा है। ये कंप्लीट हो गया हमारा बाहर का पैटर्न। अब हमने क्या करना है अपने ग्रूम में, लाइक जैसे बोलते हैं कलर फिल करना है, वही सेम चीज़ है। अब हमने इसको फिल करना है, एक थोड़ा डार्क आएगा, एक पैटर्न दूसरा आएगा, तो यहाँ मैं करूँगी शेडिंग। आपको जैसा मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया आप वैसा भी बना सकते हो। ये दुपट्टे में मैंने थोड़ी सी कलाकारी की है। यहाँ पे भी आप सर्कल बना के शेडिंग सी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनाऊंगी, दोनों तरफ दुपट्टे की एंडिंग्स होती है जो वो सेम होती है। सो आप ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा सा रियल सा लगे कि हाँ ये चीज़ कितनी उन्होंने लोगों ने कितनी चीज़ों पे ध्यान दिया है बनाते टाइम। सो दोनों तरफ दुपट्टों में सेम डिज़ाइन ही डालिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ऊपर इसके सर्कल्स बना दिए मैंने। बीच में से दुपट्टा ऐसा है और एंडिंग से ऐसा है, सो हम दोनों तरफ सेम करेंगे। यहाँ पे भी सेम। लास्ट फोर सर्कल्स, अब इन सबको आप हाईलाइट कर दीजिए। कलर में बहुत फ़र्क आता है, जो मेन चीज़ें हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ भी शेडिंग कर दीजिए, जैसे मर्जी आपको करनी है, बस ये अलग दिखना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए पैटर्न पीछे का भी और आगे का भी। सो मैंने ये पूरी शेडिंग कर ली है। अब देखिए हाथ अलग से दिख रहा है,
सो ये चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना। वंस मोर इन जयमाला, इसको और ज़्यादा हाईलाइट। दुपट्टे को भी हाईलाइट करेंगे हम। शेरवानी में क्या करेंगे हम, एक जैसे डिजाइन बनाएंगे, मतलब कि जैसे यहाँ दो लीव्स बना दी मैंने, यहाँ पे ये डिजाइन। अब हम इसको फिल कर देंगे। सो ये ऐसा लगता है जैसे कि ये सच में शेरवानी है और ये उसका डिज़ाइन है। ये होगी हमारी शेरवानी और दुपट्टा कंप्लीट। अब आते हैं हम नीचे। यहाँ पे भी आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ मैं सर्कल्स बना रही हूँ। इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। ये हो गया ग्रूम रेडी। जो मैंने बाकी के फुल हैंड डिज़ाइंस बनाए हैं वीडियोस में, आप उनमें से भी कुछ भी लगा सकते हैं ऊपर, आपकी चॉइस है। यहाँ मैंने ये डिज़ाइन बना दिया। यहाँ पे हमने इस पोर्शन में कुछ बनाना है, सो इसे भी हम, एक्चुअली मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, दैट्स वाई यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे बना रही है। ये कर लिया हमने। यहाँ मेरे फेवरेट लीव्स आएंगे जो कि मुझे बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लीव्स को भी एकदम हाईलाइट होके दिखाने के लिए ये करेंगे हम। डार्क एक मैं आपको टिप देना चाहूँगी, कोई भी आप फुल हैंड डिज़ाइन लगा रहे हैं उसके लिए, कि कभी भी आप अगर कोई डिज़ाइन लगा रहे हैं ना जिसमें मतलब भर के हो कुछ, सो उसके सामने ऐसा चेक वाला डिज़ाइन बनाइए, या तो कुछ ऐसा जिसमें थोड़ी सी स्पेस हो। अगर हर एक चीज़ भर भर के हो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। मतलब जहाँ पे थोड़ा भरा हुआ है उसके साइड में कुछ ऐसा चेक डिज़ाइन, या तो फिर कुछ मतलब हाईलाइट हो गया जिसमें थोड़ा सा स्पेस हो, और वो भी नहीं अच्छी लगती जिसमें बहुत ज़्यादा ही स्पेस हो, वो भी नहीं अच्छा लगता। तो हमें ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी कि
हमें कैसे डिज़ाइन को लगाना है, आप मेरी और वीडियोस देखिए, उसमें है कि मतलब जहाँ पे भरा हुआ है तो उसके साइड में मैंने कहीं पे ऐसा डिज़ाइन बनाया कि वो सारा कुछ भरा भरा ही ना हो, या तो फिर सारा कुछ खुला खुला ना हो। सो कभी भी ब्राइडल मेहंदी या तो फुल हैंड डिज़ाइन लगाएं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। थंब में मैंने चेक डिज़ाइन इसलिए भरा है क्योंकि ऊपर सब कुछ हैवी हैवी सा है, सो और वैसे भी थंब में चेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है साइड से आए तो। फिंगर्स में आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाए हैं फिंगर डिज़ाइंस में, सो आप उनमें से कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। आप ये एंड वाली चीज़ फिल भी कर सकते हैं पूरी मेहंदी से, बिकॉज ब्राइड्स के तो वो भरे हुए वो कुछ बोलते हैं पोर भी बोलते हैं मे बी, और बाकी लोग टिप्स बोलते हैं, सो वो टिप्स भरे हुए ब्राइड के बहुत ही सुंदर लगते हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे फेवरेट लीव्स आ गए। सो अब हम क्या करेंगे, जो स्पेस है उसको हम फिल करेंगे। ये आप पहले भी कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज मेरी साइड वाली मेहंदी ख़राब हो जाती अगर मैं पहले ये चीज़ बना लेती। सो आप ये मत करना कि आप ये बाद में ही फिल करें, ये आप पहले भी कर सकते हैं। ये जो शगुन की चीज़ें होती हैं ब्राइडल की मेहंदी में वो हैं, ये भी मेरी एक पुरानी वीडियो में है। इसके भी अंदर आप कोई चेक डिज़ाइन या कुछ भी फिल कर सकते हैं, ऐसे शेडिंग ही कर सकते हैं सिर्फ, यहाँ मैंने ये किया है। इसको भी फिल करना आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी फिल करें इसको। जहाँ स्पेस ज़्यादा है वहाँ बड़े लीव्स बना लीजिए, जहाँ कम है वहाँ पे छोटे। जो बेस बची स्पेस बची हुई है उसमें आप ऐसे डॉट से कुछ भी बना सकते हैं। ओके, सो लास्ट वाली फिंगर में भी हम चेक करेंगे, बिकॉज थंब में हमने चेक बनाया था डिज़ाइन, इसलिए हम इसमें भी सेम बनाएंगे। सो ये रही मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई हो, और भूलिएगा नहीं कि ये राइट हैंड है ब्राइड का, ब्राइडल जो होती है लड़की उसका ये राइट हैंड है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिर जो फेसिंग आएगी दूल्हा दुल्हन की वो आस पास ही आएगी। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।